किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसकी गर्जना सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लग जाते। एक ही झपट्टे में शेर किसी न किसी पशु को मार देता। जब जब शेर के मन में कुछ हलचल होती, वो झपट कर किसी पशु पर आक्रमण करता और उसे मार देता। इस तरह एक ही दिन में शेर बहुत से पशुओं को मार देता। सिंह के इस भयंकर कार्य से त्रस्त होकर जंगल के प्राणियों ने आपस में विचार किया कि यदि शेर का आक्रमण ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। पशुओं ने आपस में तय किया कि शेर से मिलकर ही हमें इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसलिए वे सब के सब शेर के पास गए। जयतु महाराज, जयतु, जयतु मृगपते, जयतु, जयतु महाराज। मृगपते, किंचित निवेदयितुम् इच्छामः। कथया। महाराज, भवता आहाराय एका एव पशु पर्याप्तः। सत्यं कथयसि। महाराज, क्षमस्व, किन्तु अधिकाधिकाः पशवाः प्रतिदिनं हन्यन्ते भवता। एतदपि सत्यम्। एतेन शीघ्रमेव अस्माकं सर्वेषां नाशः भविष्यति। त्वमपि च पशूनाम् अभावे क्षुधा पीडितः नङ्क्ष्यसि। तर्हि किं करणीयम्? अस्माभिः सह अनुबन्धः कर्तव्यः। अनुबन्धः? कीदृशः अनुबन्धः? कथय वानर। अस्मासु प्रतिदिनं एकः पशुः तव आहाराय आगमिष्यति। येन तव जीवनयात्रा अपि निर्बाधं चलिष्यति। साधु। अस्माकमपि सर्वेषां नाशः अपि सपदि न भविष्यति। तथास्तु। परं यदि कस्मिन्नपि दिने एकोऽपि पशुः नागच्छति चेत् वनमिदं पशुरहितं करिष्यामि। जयतु महाराज, जयतु, जयतु मृगपते। शेर से अनुबंध करके सभी पशु अपनी अपनी जगह चले गए। उस दिन के पश्चात शेर के आहार के लिए एक पशु प्रतिदिन भेजा जाता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे चला। रास्ते में उसने सोचा, कथम अद्य ममैव क्रमः, जीवन रक्षायै कश्चित् उपायः करणीयः। यदि मम मृत्युः निश्चितः तर्हि सिंहस्य अनुनयेन किम्? अतः मन्दं मन्दं गच्छन्नेव अस्य दुष्टस्य नाशाय उपायं चिन्तयामि। अहो, अधुना यावत् न कोऽपि पशुः आगतः। क्षुधया पीडितोऽस्मि। आहा।
अयम शशक आगतः। भो शशक महाराज, कथम विलंबेन आगतोसि? रे धूर्त शशक, बुभुक्षया पीडितोहम् अद्य संपूर्णं वनं पशुविहीनं करिष्यामि। महाराज, प्रसिद्ध महाराज, विलंबस्य कारणं शृणु। कथय। मध्ये मार्गं अहं केनचित् अपरेण सिंहेन अवरुद्धः। अपरेण सिंहेन? महाराज, अपरः सिंहः कथयति यत् अहमेव अस्य वनस्य राजा अस्मि। अहमेव त्वां भक्षयिष्यामि। महाराज, तदा अहं तम् अवदम्, अस्माकं राजा दुर्दान्त नामकः सिंहः, अहं तस्यैव समीपं गच्छामि। यदि दुर्दान्त नामकः सिंहः आत्मानं वनस्य राजा कथयति महाराज, तर्हि आगच्छतु मया सह योद्धुम्। अहम् अपरं सिंहम् उक्तवान् यत् अहं राज्ञा दुर्दान्तेन सह सद्यः पुनरागमिष्यामि। महाराज, इदमेव मम विलम्बस्य कारणम्। कुत्रास्ति सवञ्चकः सिंहः? शीघ्रं मां दर्शय। आगच्छतु आगच्छतु महाराज, आगच्छतु। पश्यतु महाराज, अस्मिन्नेव दुर्गे सः सिंहः वसति। दर्शय दर्शय, कुत्र अस्ति सवञ्चकः? अस्मिन्नेव कूपे अस्ति। कूपे? अहो, अस्मिन्नेव कूपे अस्ति। खरगोश कुएं के जल में शेर को देखने को कहता है। कुएं के जल में प्रतिबिंबित अपनी छाया को दूसरा शेर समझकर खरगोश के साथ गया हुआ शेर क्रोधित हो जाता है। अहो अहो, दुष्टः सिंहः, दुष्टः सिंहः, मां दृष्ट्वा गर्जति, दृष्ट्वा गर्जति। तिष्ठ वञ्चका, तिष्ठ वञ्चका, तिष्ठ तिष्ठ, आगच्छामि, आगच्छामि, त्वामहं तुम, आगच्छामि, आगच्छामि। और शेर कुएं के जल में प्रतिबिंबित अपनी ही छाया को शत्रु समझकर उसको मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। अपनी बुद्धि के बल से छोटा प्राणी खरगोश अत्यंत शक्तिशाली किंतु बुद्धिहीन जंगल के राजा शेर को कुएं में गिरा देता है। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निरबुद्धेस्तु कुतो बलं, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः।